पवन सिंह का गाना बबुआन से, नज़र मिलाओ बबुआन से, जी हाँ नज़र मिलाओ बबुआन से है। और ऐसे गाने कई सालों में आप कह लें कि बनता है, क्योंकि ये जो सॉन्ग है वो पवन सिंह के प्रति लोगों की दीवानगी, लोग कितना पवन सिंह को लेकर दीवाने हैं ये बताया जाएगा। आपको बता दें पहले इस जो गाने के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि ये गाना जब शूट हो रहा था तो जो इसके डायरेक्टर हैं, जो इसके प्रोड्यूसर हैं, वो यही सोच रहे थे कि 100 से 150 लोगों को लेकर ये गाना शूट कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही जहां ये गाना शूट हो रहा था वहां के लोगों को जैसे ही पता चला कि पवन सिंह आए हुए हैं शूटिंग के लिए, तो भाई तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग, ऐसा बताया जा रहा है 8 से 10 हज़ार लोग आ गए। सभी को बड़ी ही मुश्किल से मैनेज किया गया है और काफ़ी लोग आप देखेंगे वीडियोस जो वायरल हुए हैं, काफ़ी लोग पवन सिंह के बहुत करीब हैं और पवन सिंह उन्हीं के बीच में शूटिंग कर रहे हैं। पवन सिंह का जो लुक है वो बड़ा ही खूबसूरत है, वास्तव वाला ये लुक है, संजय दत्त के वास्तव वाला लुक है ये। और ये पवन सिंह पे इतना फब रहा है, ऐसी फायरिंग जिस अंदाज में वो कर रहे हैं, पवन के फैंस हैं वो, उनके लिए ये गाना बहुत ही बड़ा सॉन्ग बनने वाला है। परा फिल्म्स के पर ये गाना रिलीज़ होगा, बताया जा रहा है कि 12 तारीख को ये गाना आने वाला है। भोजपुरी के में जितने भी पवन सिंह के फैंस हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे भी क्लिपिंग काफ़ी वायरल हो चुकी है मीडिया में, सोशल मीडिया में, और यहाँ तक कि परा फिल्म्स वालों का ये कहना है कि वो उनके लिए प्रमोशन का ही जरिया है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है उनके जो क्लिपिंग जितनी भी वायरल हुई है। साथ ही वहाँ पर जितने लोग आए हुए थे सभी को इस गाने में शूट किया गया है। साथ ही पवन सिंह के फैंस के प्रति जितनी भी दीवानगी है ये सारा कुछ इसमें ही दिखाया गया है। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने 100 से 150 लोगों के बारे में सोचा था, लोगों को पता चला कि पवन सिंह यहाँ शूटिंग कर रहे हैं तो 8 से 10 हज़ार लोगों की क्राउड आ गई। थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को थोड़ा सा रिस्की लगा, लेकिन बाद में सब कुछ संभल गया और सभी ने कॉपरेट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे सिचुएशन में सभी ने कॉपरेट किया। और आप इस गाने में कई दफ़ा और कई जगह देखेंगे कि लोग अपने मोबाइल से शूट कर रहे हैं बाकायदा ये गाना, और वो गाना ये पिक्चराइजेशन में भी आएगा, जो कि अभी तक के किसी भी भोजपुरी के जो गाने हैं उसमें ऐसा नहीं हुआ है। साथ ही साथ पवन का ये गाना लोगों को काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। जितने भी पवन के फैंस हैं जिन्होंने उनके साथ इसमें काम किया है उनके लिए भी ये काफ़ी मेमोरेबल डे होगा। तो यकीन है 12 तारीख को ये गाना रिलीज़ हो रहा है परा फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। टाइम हम आपको बता देंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।